देखिए, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड का मीनिंग मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में भी बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव प्रेडिटरमाइंड गोल। ऑर्गेनाइजेशन ये जो मैंने आपको बताया है, देखिए ये क्या है, लोगों का समूह जो कि क्या करता है, एक संस्था बनाता है जिसमें एक जो उन्होंने उद्देश्य डिसाइड किया होता है उस उद्देश्य को क्या करते हैं, प्राप्त करने की कोशिश के लिए या प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए सब लोग एक ग्रुप में काम करते हैं। किस तरीके से करते हैं, बहुत ही प्रभावी तरीके से करते हैं, यानी कि एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली करते हैं। अब देखिए, यहाँ चेंज की हम बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होता है, रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन वाइड चेंज एज अपोज टू स्मॉलर चेंज। यहाँ जब हम संस्था के चेंज की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन वाइड चेंज यानी कि एक बहुत बड़े पैमाने पर हम चेंज की बात कर रहे हैं, ये स्मॉल चेंजेस के अपोज में है। जस्ट बिकॉज जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं हमारी संस्था में या कि इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ में तो वो तो होते रहते हैं, लेकिन यह एक बड़े पैमाने के चेंज की जो है वो हम बात कर रहे हैं और वही हम डिस्कस करेंगे। सच एज चेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैथड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हमें हमारी संस्था का ढांचा चेंज करना है। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि जो टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक चल रहा है वो, या एक्सटर्नल की हम बात करें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क है, जो कि पूरा लेआउट यानी कि ढांचा है, हमें वो चेंज करना है वो, या फिर जो प्रोडक्शन का प्रक्रिया है यानी कि प्रोसेस है, जो उत्पादन का कर रहे हैं किसी भी चीज़ का हमारी संस्था में, हमें वो प्रक्रिया चेंज करना है। हो सकता है हम ट्रेडिशनल जो टेक्निक है वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब हम कुछ न्यू इक्विपमेंट्स लाए हैं जिनके ऊपर हमको काम करना है, जिससे हमारी कॉस्ट भी बचेगी, हमारा टाइम भी बचेगा और हमें एक बहुत अच्छा आउटपुट भी मिल के आएगा। हो सकता है हमें वो चेंज करना हो। द ऑर्गेनाइजेशन वाइड चेंजेस मे बी ऑफ वेरियस टाइप्स, बहुत ज़्यादा प्रकार के जो हैं ये होते हैं, प्लान भी होते हैं। हमने पहले से किसी चीज़ के लिए प्लानिंग की हुई है कि ये चीज़ का परिवर्तन हम हमारी संस्था में करने वाले हैं, तो वो प्लान्ड है। अनप्लान्ड चेंजेस जैसे कि एग्जांपल मैं आपको लूँगी एजुकेशन डिपार्टमेंट का, ये भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। कोरोना के आने के बाद जो चेंजेस आए हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस चली हैं बच्चों की, ये प्लान नहीं था, ये अनप्लान्ड था, तो ये एक एग्जाम्पल था। उसके बाद होता है एपिसोडिक वर्सेस कंटिन्यूस। एपिसोडिक यानी कि कुछ टाइम पीरियड के लिए हमें कुछ चेंजेस लाना है, या फिर कंटिन्यूस चेंजेस जो कि आते रहते हैं बिजनेस में, टैक्स की वजह से आते रहते हैं, लॉज चेंज होते हैं यानी कि कानून चेंज होते हैं उनकी वजह से आते हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल जो है उसकी क्वालिटी चेंज हो रही है, या जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं है, या हम कुछ नया करना चाहते हैं, तो ये सब तरह के चेंजेस हैं। कुछ कंटिन्यूस होते हैं, कुछ एपिसोडिक होते हैं जिन्हें हम थोड़े टाइम पीरियड के लिए या एक पर्टिकुलर टास्क जो है उसके लिए हम चेंज करते हैं। फिर होता है सच चेंजेस माइट इंक्लूड अल्टरेशन इन ऑर्गेनाइजेशन मिशन। अल्टरेशन यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ों में परिवर्तन कर देते हैं हम, चेंज कर देते हैं, कुछ चीज़ें कम ज़्यादा कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है इससे वो भी चेंज होता है, उसका जो ड्यूरेशन है वो भी चेंज होता है, पॉलिसीज चेंज होती हैं जो हम डेली बेसिस पे हमारे बिजनेस में बनाते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग ऑपरेशन, किस तरीके से हम कोई भी काम को अंजाम दे रहे थे हम हमारी संस्था में या हम लोगों से काम करवा रहे थे, वो भी पूरा जो आप ऑपरेट करने का सिस्टम है वो चेंज हो रहा है। और अडॉप्शन ऑफ न्यू पॉलिसीज, अब हमने कुछ नई पॉलिसीज़ बनाई हैं हमारे बिज़नेस के लिए जो कि हमें चेंजेस करना है, जिसके बारे में हमें हमारे संस्था के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनको बताना है। उसके बाद जो प्रोग्राम्स हैं इंक्लूडिंग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इट्स ऑब्वियस हम क्वालिटी पे तो फोकस्ड होंगे, तो हमें उसकी पूरी क्वालिटी का जो मैनेजमेंट है वही चेंज करना है। या फिर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट जो है, यानी कि पार्टिसिपेटिव में आप ये भी कह सकते हैं जैसे हमारी संस्था में कुछ लोग हैं जो कि काफ़ी इनिशिएटिव हैं, वो खुद से आगे बढ़कर आकर काम करते हैं, लेकिन हर बार वही तो काम नहीं करेंगे और बाकी लोग जो पीछे हट जाते हैं, सैलरी तो वो भी ले रहे हैं तो काम तो उनको भी करना चाहिए, तो उस वो जो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट है आपका वो आप चेंज करना चाहते हैं, बारी बारी से आप सबको काम देना चाहते हैं, ये भी चेंज हो सकता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन वाइड चेंजेस आर ट्रिगर्ड बाय सम मेजर एक्सटर्नल इवेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन वाइड है वो कि क्या कर रहा है, किस चीज़ पर ट्रिगर कर रहा है वो, सम मेजर एक्सटर्नल इवेंट्स, जो बाहरी कुछ इवेंट्स होते हैं, एक्सटर्नल यानी बाहर की हम बात कर रहे हैं, उनका एज ड्रामेटिक इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सपोज किसी चीज़ का
किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है आपका उसका डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, तो वो ऑब्सोलेंस ऑफ वाइडली यूज्ड टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट, कुल मिला के हमें जो नई टेक्नोलॉजी है वो अडॉप्ट करना है, पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको क्या करना है, स्विच करना है, हमें चेंज करना है। हमारी संस्था में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चेंज करना चाहते हैं, वाइड एक बड़े पैमाने पे चेंज करना चाहते हैं, या हम प्रोडक्ट चेंज करना चाहते हैं, तो आप प्रोडक्ट किस तरीके से चेंज करेंगे? आपने कुछ इनोवेशन करा है आपके प्रोडक्ट में, तो ये वाली बात हो गई है यहाँ पर। तो ये जो पूरा था, ये हमने ऑर्गेनाइजेशन चेंज की बात करी है, ये ऑर्गेनाइजेशन चेंज टॉपिक हम जो है पूरी संस्था का जो बड़े पैमाने में उसमें जो चेंजेस आते हैं, जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, या कुछ न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू अपडेशंस या अपग्रेड्स हम करते हैं उनके ऊपर, जो छोटे मोटे चेंजेस चलते हैं वो तो रोज़मर्रा के चलते ही हैं, लेकिन यहाँ हम बड़े पैमाने की बात कर रहे हैं। फिर जो कॉन्सेप्ट है चेंज का वो क्या है? देखिए, एज अ सोसाइटी वी हैव बीन मूविंग फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, इन एडिशन वी आर स्टिल इन मोशन कॉट बिटवीन एराज वी एक्सपीरियंस टर्बुलेंस। क्या बोला है ये डेफिनेशन में जॉन नेस्बिट ने, जो जॉन नेस्बिट हैं उनके शब्द ये हैं कि एज अ सोसाइटी, देखिए किसी भी संस्था में कोई भी पर्सन काम कर रहा है तो वो सोसाइटी से अलग नहीं है, वो भी सोसाइटी का हिस्सा है, हम भी सोसाइटी का हिस्सा हैं, हमारी जो पूरी संस्था है वो भी सोसाइटी का एक पार्ट ही है। सोसाइटी की वजह से ही जो होता है, जो डिमांड और सब चीज़ें क्रिएट होती हैं, सप्लाई वगैरह जो होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू सोसाइटी ही होते हैं, उनकी नीड को देखते ही, उनकी नीड को मद्देनज़र रखते हुए वो चीज़ें बनाई जाती हैं। तो सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, वी हैव बीन मूविंग फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, हम पुराना, मैं वही बात कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर भी बहुत बार दोहराया है कि ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट था हमारा टेक्नोलॉजिकल या फिर प्रोडक्शन का, वो सब चीज़ चेंज करके हम नए में आना चाह रहे हैं। इन एडिशन में उन्होंने क्या कहा है, स्टिल इन मोशन, मोशन में आने की एक कंटिन्यूस जो टेक्निक होती है चेंज की वो है, और हर संस्था में होती है, पुराने से नए पर आते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, कॉट बिटवीन एराज वी एक्सपीरियंस टर्बुलेंस। देखिए हम लोग अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हम लोग कौन थे, अर्ली मैंस थे, अर्ली मैंस से लेके आज हम कहाँ हैं, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और एक बहुत बड़ा जो गैप है वो हमें यहाँ दिख रहा है कि वो जो गैप है इसका जो पूरा हमने किस तरीके से उसमें एक ब्रिज क्रिएट करा है अपने चेंजेस का। तो वही बात है ना कि उस ड्यूरेशन से लेकर आज तक हमारी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए, काफ़ी इनोवेशंस हुए हैं, हम लोगों ने काफ़ी दिक्कतें भी देखी हैं, तो हमको बहुत कुछ नया भी मिला है। आज के डेट में हम लोग हर चीज़ के लिए काफ़ी कंफर्ट जोन जी रहे हैं, पहले ऐसा था क्या, नहीं था। तो ये क्या है, एरा के अकॉर्डिंग जो डिकेड्स चेंज होते हैं, यानी कि जो 10 साल का टाइम पीरियड है, इसमें हमारे नेशन में, हमारी सिटी में काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं, काफ़ी परिवर्तन हो जाते हैं। तो वो चीज़ों को परिवर्तित करने के लिए, उनकी जो डिमांड है, जो उनकी ज़रूरत के लिए वो मांग कर रहे हैं, उनको पूरा करने के लिए जो हम उत्पादन करते हैं, तो वो भी उस अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो भी चेंज होना चाहिए। फिर अकॉर्डिंग टू स्टीफन पी रॉबिन्स, जो स्टीफन पी रॉबिन्स हैं उनके शब्द क्या हैं, चेंज इज़ कंसर्न विथ मेकिंग थिंग्स डिफरेंट। चेंज किस चीज़ पे कंसर्न करता है, यानी कि ध्यान देता है या फोकस करता है किसी भी चीज़ को अलग बनाने पर, यानी कि नया, ऐसा नहीं है कि उसका जो यूजेज है वही ख़त्म कर देना, नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफाइड पॉइंट्स एड ऑन कर देना। थिंग्स मस्ट बी डिफरेंट बिकॉज दे चेंज कॉन्स्टेंटली, चीज़ें अलग होती जाती हैं, लोगों का जो पर्सपेक्टिव है, परसेप्शन है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो चेंज होता है क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं। हम एग्जांपल अगर मोबाइल फ़ोन का लें, तो मोबाइल फ़ोन सबसे पहले जब इन्वेंशन हुआ था तो था लैंडलाइन, लैंडलाइन के पहले भी वो क्या था, वो जो थ्रेड बांध के और इधर से उधर ग्लासेस में जो पास ऑन किए जाते थे मैसेज, वो तो वहाँ से लेके आज की हम बात कर रहे हैं स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन से और भी जो आगे की हम टेक्नोलॉजी देखेंगे या नेटवर्क की टेक्नोलॉजी हम देखेंगे कि लैंडलाइन से 2G पे आए, 2G से 3G, 4G या 5G के जो टावर्स हैं वो लगना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये पूरी चीज़ें चेंज होके हमारे सामने, कि ये बेस्ट एग्जांपल है देखने के लिए कि कितनी चीज़ें चेंज हुई हैं, कीपैड, फिर स्मार्टफोन, फिर स्मार्टफोन में भी ज़्यादा स्पीड और भी ज़्यादा फीचर्स ऐड होने लगे हैं। तो ये बात है, देखिए अब चेंज कैन बी प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल होता है, हम किसी भी चीज़ का प्रेडिक्शन कर रहे हैं आगे के लिए, हम अनुमान लगा रहे हैं कि हम इस तरीके से चेंज करेंगे। उसके बाद अनप्रेडिक्टेबल भी होता है, कोई सडन चेंज हमें लाना पड़ता है कोई भी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, नहीं तो
हो सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन नुकसान उठा रही हो या हमारे कॉम्पिटिटर हमसे आगे जा रहे हों। फिर कॉम्प्लेक्स भी होता है, सिंपल भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। कुछ कुछ डिपार्टमेंट के लिए पर्टिकुलर होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स भी होता है। देखिए, जब हम पूरी संस्था को चेंज करने की बात करते हैं, पूरी संस्था को चेंज करने से मतलब ये नहीं है कि हम उसका नक्शा ही बदल रहे हैं, नहीं, हम उसके अंदर कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन कर रहे हैं, उसको और अपडेटेड चीज़ें ला कर या अपडेटेड वर्जन दे रहे हैं। तो वो चीज़ क्या है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है चेंज करना। अब कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन उसको करना है, अब वो टेक्निक पर डिपेंड करता है। कुछ चेंजेस काफ़ी सिंपल होते हैं, जैसे कि हमें पॉलिसीज चेंज करना है या हमें हमारी बिज़नेस की स्ट्रेटजीज चेंज करना है, तो वो आसान है। लेकिन अगर आप सोचें कि आपको आपके मशीनरी चेंज करना है, तो आपके लिए आपको ट्रेंड वर्कर भी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे थे वो वर्कर्स अलग थे, अब आपको या तो उन्हीं को ट्रेनिंग देनी होगी या नए इंजीनियर्स रखने होंगे, ये चेंजेस। तो ये थोड़ा जो है आपका कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें आपका आता है स्कोप ऑफ चेंज, यानी कि क्षेत्र। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं चेंजेस के, नेमली 3 CS। 3 CS कहा जाता है कॉस्ट। काफ़ी देसी एक मैं आपको मुहावरा कहते हैं या क्या कहते हैं आइटम्स जो हैं वो बताती हूँ। आप जितना मावा डालेंगे, जितना मेवा डालेंगे, उतना ही जो है आपका जो प्रोडक्ट आपके हाथ में बन के आएगा, आपका फिनिश्ड गुड, वो काफ़ी उतना अच्छा होगा। इसी तरीके से हम जितनी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो हमें जो रिज़ल्ट है वो भी उतना अच्छा मिल के आएगा। लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन या बिज़नेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिस्क भी उतनी ही बड़ी है और उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो बात कुल मिला के ये है कि जितना हम इन्वेस्ट करते हैं हमारा रिज़ल्ट भी उस अकॉर्डिंग आता है। जितना अच्छा आप इंफ्रास्ट्रक्चर रखोगे, जितना आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करोगे, आपको रिज़ल्ट भी उतना अच्छा मिल के आएगा। सैलरी से मतलब ये है कि वो मोटिवेटेड रहेंगे और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, इट मीन्स सबको ये लगेगा कि बहुत साफ़ सुथरी तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से और एक बहुत अच्छे पैमाने पर जो है यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। फिर होता है कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉम्पोजिटनेस। तो कॉम्प्लेक्सिटी, यही बात मैंने अभी आपको बताई कि कुछ चीज़ें काफ़ी जटिल होती हैं, यानी कि स्टेबल होती हैं, जिनको चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। संस्था में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चेंज करना है या कुछ रेनोवेशंस करवाना है, तो ये थोड़ा टफ टास्क है, इसमें पैसा भी लगना है लेकिन रिज़ल्ट भी अच्छा आना है। फिर सर्टेनिटी, ये बात पक्की है कि जब आप कोई भी चीज़ अपडेटेड या कोई सा अपडेटेड आपने ट्रेडिशनल प्लांट को अपडेट किया है या नए वर्जन्स आप लाए हैं किसी भी मशीनरी के जिनका आउटपुट काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो एक चीज़ की आपको सर्टेनिटी है कि प्रॉफिट आपका जो है वो बहुत अच्छा आना है। यहाँ आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं, थोड़ा टफ टास्क है, बट इट्स ऑब्वियस, ये बात सर्टेन है कि ये चेंजेस के बाद जो आउटपुट आएगा या जिस तरीके से हम गोल अचीव करेंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे। तो ये जो था आपका ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का कॉन्सेप्ट था, इसको अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप ये स्टडी करिए और इनमें जो भी आपको डाउट्स हों आप कॉल या व्हाट्सएप्स पे पूछ लीजिएगा।